फिलहाल तो ऐसा है कि कोई भी दिखता नहीं, कोई सही काम कर रहा है। अंदाजा तो यही है कि भाई देखो गठबंधन की चल रही है, जनता बोलती बोलती जा रही है कांग्रेस की सरकार। सरकार आएगी तो कांग्रेस की ही आएगी। 303 दोबारा ला नहीं पा रहे हो आप, बात कर रहे हो उसमें कि हम जी 400 ले आएंगे और 450 ले आएंगे, जो हम बोलते रहते हैं। तो बेरोजगारी और दूसरा जो मोदी सरकार की थोड़ी सी नीतियां है उससे पब्लिक थोड़ी खफा है, क्योंकि वो तो ऐसे भी जीतने वाले तो है नहीं, पर चोरी करके उनको जीतना है, वो जीत जाएंगे। अच्छा मोदी जी चोरी करके? हाँ चोरी करके ही जीतेंगे, वैसे जीतने दल नहीं आएगा। सर देखिए वोटिंग परसेंटेज जो है अभी इलेक्शन कमीशन भी जो है अब गलत काम ही कर रहा है, 60% बताता है, 65% 70% दिखाता है वोटिंग, जिस दिन चुनाव खत्म हो रहा है उस दिन 60% रहता है, उसके बाद 67 68 69 हो जाता है। तो ये छोटे छोटे आंकड़े भी जो है ना बहुत मायने रखते हैं, 8% 9% का जो आंकड़ा है ना अगर सातों बेस का मिलाएंगे तो 28-27% के लगभग जो है वो वोटिंग जो है झोल झपाट चल रहा है उसके अंदर। भाई साहब देश में चुनाव चल रहे हैं, 1 जून को चुनाव समाप्त होगा, क्या लग रहा है कौन सा गठबंधन आगे रहेगा? क्योंकि अब सर्वे आने शुरू हो गए हैं, मोटा मोटी आंकलन आना शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि पिछली बार राष्ट्रवाद की लहर थी तो भाजपा ने बहुत आसानी से सरकार बना ली थी, इस बार ऐसा नहीं होगा तो दोनों गठबंधन में टक्कर है, क्या आप इस बात को मानते हैं? मैं देखो मानता हूँ कि बीजेपी तो आएगी, 272 की तो नहीं उनको रिक्वायरमेंट है, उनको उससे ज़्यादा की एक्सपेक्ट कि तीन तिहाई बहुमत मिले, क्योंकि 272 तो आएगी उससे ज़्यादा की। और दूसरी रही गठबंधन की बात, तो गठबंधन तो दोनों दलों का है, एनडीए का भी और इंडिया का भी। उनका तो भाई देखो मर्च हो गया समझ लो एक तरह से, पार्टी ही नहीं याद है कि भाई एनडीए में है कौन, दो चार को छोड़ के बाकी तो याद ही नहीं है, बहुत सारी पार्टियां हैं लेकिन मर्च हो गई, लेकिन इसमें मर्च नहीं हुई है, यहाँ तो सौदा हो रहा है। और मैं किसमें सौदा हो रहा है? जो इंडिया गठबंधन है उसमें सौदा, इसमें सौदा क्या है, नेता अपने में हाथ मिला के बैठ गए, कार्यकर्ता का मन नहीं मिला, जो जन जन तक पहुंचा है, जो वोटिंग डलवाएगा, जो सैनिक लड़ेगा, वो आपस में नहीं मिले, कुर्सी फेंका फेंकी मारा मोरी, आप देख लो ना यहाँ पे तो गठबंधन है, पंजाब में गाली गलौज कर रहे हैं, पंजाब में वो कह रहा है भगवंत मान कि काले चोर को दे दियो बीजेपी को दे दियो, इसको मत दियो कांग्रेस को, तो जब ये गठबंधन है, ममता दीदी कहती है हमने गठबंधन किया ही नहीं है, नहीं ममता दीदी तो कह रही है कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, समर्थन दे देती है कंडीशन पे देंगी, वो अगर इंडिया इंडिया गठबंधन जीतता है तो हम उस गठबंधन को समर्थन देंगे। पहली बात ममता दीदी ने बहुत पहले ही कह दिया था दिल्ली में आके, जब यहाँ मीटिंग बैठक हो रही थी केजरीवाल ने, कि हम राहुल गांधी को तो हम नहीं चाहते, खड़गे जी को उन्होंने, तो वैसे ही ये जो अगर ले देके अगर कहीं जी सबसे ज्यादा सीटें जो है कौन सा गठबंधन लाएगा, मोटा मोटी आपको क्या लगता है? ममता दीदी हैं सर्वोपरि, इनके बस देखो ये तो पहले भी लड़के लड़े थे यूपी में, जीरो आई थी, तो यूपी से इनको खास कुछ उम्मीद नहीं है, और जितना भी लड़ लें मेरे को नहीं लग रहा। चलिए हम आपसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, महिला हैं आप, चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं? देश में चुनाव चल रहे हैं, 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, और एक तरफ है इंडिया गठबंधन जिसमें राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ मोदी जी हैं, और वो चुनाव जब शुरू हुआ था तो 400 सीटों के जीतने के साथ उन्होंने दावा किया था, तो अब सर्वे आने शुरू हो गए हैं, मोटा मोटी का आकलन आना शुरू हो गया है, तो कुछ सर्वे वाले कह रहे हैं कि पिछली बार राष्ट्रवाद की लहर थी तो बीजेपी ने बहुत आसानी से सरकार बना ली थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, आप क्या सोचते हैं? सोचे नहीं सोचे, जो होना है वो तो मोदी ही करेगा। अच्छा मोदी ही करेंगे? हाँ क्योंकि वो तो ऐसे भी जीतने वाले तो है नहीं, पर चोरी करके उनको जीतना है, वो जीत जाएंगे। अच्छा मोदी जी चोरी करके? हाँ चोरी करके ही जीतेंगे, वैसे जीतने नहीं। लेकिन जब किसी अदर अभी कर्नाटका में कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे तो वहाँ कांग्रेस जीती थी, तब ईवीएम में चोरी नहीं हुई थी? अब वहाँ का जीता तो बात अलग है, अब ये तो बड़ा है ये जो अपना रुकूंगा। आप महिला हैं, मोदी जी ने कहा था कि चुनाव शुरू होने के पहले चरण में ही कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मंगलसूत्र छीन लेगी, हाँ। तो आप एज ए महिला इस लाइन को कैसे देखते हैं? 70 साल में छीना गया है सर? कभी नहीं, हमारी मम्मी का नहीं छीना गया, हमारे दादा दादी का नहीं छीना गया, हमारे ऊपर दादा दादी का नहीं छीना गया, तो हमारा कैसे छीना जाएगा? चाचा अभी मंगलसूत्र भी बिछवा रहे हैं, मुजरा भी करवा रहे, सब करवा रहे, होने वाला कुछ नहीं, वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा, कांग्रेस कभी गलत नहीं कर सकती, कांग्रेस कभी गलत नहीं, कभी गलत नहीं, कभी भ्रष्टाचार नहीं करती, नहीं बिल्कुल नहीं करती है। मैं बोल रहा हूँ, मैं इनका हस्बैंड हूँ, बट देखिए ऐसा है कि बिजनेस के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता था जितना फर्क अब पड़ा है। अच्छा बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ गया है? फर्क पड़ा नहीं, बहुत फर्क पड़ा है सर, हमारे टाइम पे, आज मेरी एज जो है 36 ईयर्स की है, ठीक है मैं बहुत कम टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन जितना ये परेशानी जो था ना, परेशानी मार्केट का फ्लो इतना है ना, पैसे का रुका हुआ है ना, कि मतलब हद से ज्यादा रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, क्यों बिजनेस इतना ज्यादा कम क्यों रुका है? मोदी ने कहा था सर रोक लो, अडानी अडानी और अंबानी है सर, और क्या है, देखिए जैसा बोल रहे हैं भाई कि मोदी ने नहीं रुकवाया है,
अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है जा तो रहे हैं यहाँ पे, अब सब तो दिखता है भैया, वो दलाली मीडिया तो कर रहे हैं बैठ के वहाँ पे, इधर तो कुछ दिखता तो है सब कुछ हमारे को, लेकिन आए कुछ लोग जिनको नहीं दिखता है। अच्छा क्या लग रहा है कौन दल नहीं आएगा सर? देखिए वोटिंग परसेंटेज जो है, अभी इलेक्शन कमीशन भी जो है सब गलत काम ही कर रहा है, 60% बताता है, 65% 70% दिखाता है वोटिंग, जिस दिन चुनाव खत्म हो रहा है उसमें 60% रहता है, उसके बाद 67, 68, 69 हो जाता है। तो ये छोटे छोटे आंकड़े भी जो है ना बहुत मायने रखते हैं, 8%, 9% का जो आंकड़ा है ना, अगर सातों बेस का मिलाएंगे तो 28-27% के लगभग जो है वो वोटिंग जो है झोल झपाट चल रहा है उसके अंदर। तो अगर वो झोल झपाट है, चुनाव आयोग भी सही काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं काम कर रहा है सही सर, फिलहाल तो ऐसा है कि कोई भी दिखता नहीं कोई सही काम कर रहा है, ये 27-28% का जो है ना घोल मिल। मोदी जी ने 10 सालों में कोई अच्छा काम किया है कि नहीं आपके हिसाब से? कुछ तो अच्छे काम, मेरे को तो फिलहाल कुछ दिखता नहीं है सर, कुछ भी नहीं दिखा, मेरे को कुछ नहीं दिखा, महंगाई है मेरे को, देखो ये रिलीजन कास्ट का जो सब लेके चल रहे हैं ना, एक ही बंदे को टारगेट करना, एक ही रिलीजन को टारगेट करना, भाई नाम के लिए गालियां, वो तो कहते हैं कि हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, उन्होंने अभी अभी कहा था, आपने सुना हो? तो वो सुनो तो, अभी तो न्यूज में तो आके बोल रहे थे कि जिस दिन मैं एक कास्ट को लेकर, अगर मैं मीडियम क्लास का जो बंदा है ना आज की डेट में मीडियम क्लास का बंदा खत्म हो चुका है। क्या कारण है? कारण ये है कि महंगाई बन गई और सामने वाले की जैसे मीडियम क्लास के बंदों की कोई सुनवाई नहीं है, कोई वो नहीं है कि क्या होना है। अब बंदा कोई चीज़ लेने जाता है उसमें पहले GST लग जाती है। हमने आपकी लाइन में, अपनी लाइन में नहीं देखी थी जो GST और जो कोई चीज़ खरीदने जाओ पहले GST भरो, बिल भरो उसका, सब काम करो तक के बाद माल। अब जे टी शर्ट हमारी 200 रुपये की है, हम मार्केट में जाएंगे लेने तो हमें ये GST इस पर लगा देंगे, GST लगा के हमें तब मिलेगी। टैक्स भी तो जरूरी है ना, सरकार काम कैसे करेगी? टैक्स जरूरी है, 70 साल में भी तो टैक्स भर ही रहते ना लोग, लेकिन कई जब भी तो भर रहे थे, जब भी तो कोई कोई दूध दही पे कौन सा टैक्स लगना चाहिए सर? खाने वाली चीज पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, बच्चे के दूध पे टैक्स, खाने पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स, गोल्ड पे, गोल्ड कितना महंगा हो गया, गोल्ड इतना महंगा था कभी नहीं था सर। की अगर आप न्यूज़ देखे रहेंगे तो मोदी जी बोल रहे थे कि अगर डॉलर का भाव अगर बढ़ता है तो देश की जो इज्जत है वो कम होती है, देश की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, इज्जत कम होती है। तो अभी जो वही यही क्वेश्चन जो है वो 2014 में उन्होंने रेज किया था कि डॉलर जो है महंगा हो रहा है, रुपया सस्ता हो रहा है। जीत कौन रहा है? 6 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और अब 49 सीटों का मतदान, अब कितने देर रह गए? 8 दिन, 8 दिन में क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। नहीं वो तो सही है, 4 तारीख को सभी को पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको अंदाजा लगाना हो जिस तरह का आपने देश की अंदाजा, तो यही है कि भाई देखो गठबंधन की चल रही है, गठबंधन की चल रही है, हाँ गठबंधन की, मतलब आगे को बढ़ रही है। कोई नहीं है, मैंने आपको जो बोला सर 400 पार नहीं 300 है, 300 सीटें हैं NDA की, मोदी की। भाई देखो जी तो आंकड़ा एक बाद में ही मालूम पड़ेगा क्या होगा, नहीं है वैसे, वैसे नहीं है। अगर 25% 28% का जो इलेक्शन कमीशन जो दिखा रहा है, 60 बता के 67-68 बता रहा है, अगर वो अगर अप्रोप्रिएट हुआ, अगर सही तरीके से रिजल्ट अगर आया ना सर, तो इंडिया का सर ये इसका बन जाएगा कांग्रेस का। अगर उसमें जो 27-28% का जो मार्जिन का जो रेशो है, अगर वो इसी में अगर कुछ अगर हो गया उल्टा पुल्टा, तो फिर शायद वो 300 या वो 350 भी पहुंच जावे। चलिए ठीक है सर, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं होता, 400+ जाएंगे। चलिए ठीक है ठीक है, हम क्या सब अपनी अपनी बात कहें सर, 7वें चरण का चुनाव बाकी है, लगभग चुनाव जो है अब 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, क्या लग रहा है? अब सर्वे मोटा मोटी आने लगा है, पिछली बार जो है राष्ट्रवाद के घोड़े पर सवार होके मोदी जो है सरकार बनाए थे ऐसा सर्वे वाले कर रहे हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रवाद की लहर नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी ऐसा उनका कहना है, और हर स्टेट में समीकरण अलग है। तो आपने भी पूरा चुनाव देख लिया, क्या लग रहा है कौन सा गठबंधन, इंडिया गठबंधन या मोदी जी गठबंधन, कौन आगे जा रहा है या कौन सरकार बनाएगा? मुझे तो लग रहा है मोदी जी का गठबंधन हो जाएगा, मोदी जी गठबंधन जीत जाएगा। कितनी सीटें दे रहे हैं आप उनको? वो तो हम पक्का थोड़ी बता नहीं, पक्का तो हम भी जानते हैं, कोई नहीं बता सकता है, लेकिन मोटा मोटी मैं ये कह रहा हूँ, आज की डेट की बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में अपने भाई भाई का नहीं पता, भाई कहाँ दे रहा है और बड़ा भाई कहाँ दे रहा है, छोटा भाई कहाँ दे रहा है। हम इस बात को मानते हैं, सुनो हम ये कह दें कि मतलब कांग्रेस जीत रही है या BJP जीत रही है, नहीं कह सकते जी। आपको एक आदमी आंकड़ा लगा सकता है, अपना मोटा मोटा आंकड़ा लगा सकता है, मगर वैसे नहीं है, वैसे आंकड़े से ही कोई मतलब। अच्छा भाजपा ने 400 का नारा दिया था जब चुनाव शुरू हुआ था, तो आपको क्या लगता है 400 छू रही है भाजपा? हाँ छू रही है, 400 छू लेगी, 400 ऊपर जाएगी मेरे को। अच्छा पिछली बार जो, मेरी बात सुनो, जो आए अगर केजरीवाल है अथवा मोदी जी है, तो जो दिल्ली का भला हो, जिसमें दिल्ली का फायदा हो, जो दिल्ली के लिए अच्छा करे वो आना चाहिए,
ऐसी दुआ करो कि वही आना चाहिए और सबका मत यही होना चाहिए। चलिए ठीक है, पिछली बार 303 सीट भाजपा लेके आई थी और उसमें राजस्थान, गुजरात, एमपी, बिहार, यूपी और जितने भी महाराष्ट्र सब जगह क्लीन स्वीप किया था, तो वो 303 सीटें ले आई थी। अब वो बाकी की सीटें कहाँ से लाएंगे, क्या उस पर कुछ थोड़ा बता सकते हैं? वो तो हम नहीं बता सकते। ये भी बात तो मैं पूछ रहा हूँ दुनिया से, लोग मान के राजी नहीं है। जो आपने बोली ना कि सब कुछ करने के बाद तो 303 लाए थे, तब कहाँ चले जाएंगे इससे ज्यादा। सरकार किसकी बन रही है इस बार, मतलब मोटा मोटी आप इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है या मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं? देखो जनता बोलती बोलती जा रही है कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस का बन रही है। हाँ उसी की बन सकती है, 303 कैसे क्रॉस कर लोगे? सरकार आएगी तो कांग्रेस की ही आएगी। 303 अगर आप क्रॉस करने की बात करते हो, सर जितने भी हिंदी बेल्ट आप अपना बोल सकते, अच्छा ठीक है हम आते हैं आपका, जितने भी हिंदी बेल्ट की बात करोगे ना आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ नहीं रहे हो, वहाँ पे जीरो हो गई है आपकी, पंजाब में आपकी बुरी हालत है, धज्जियां उड़ी भी है, हरियाणा में एक दो सीटें आपकी आ रही हैं, दिल्ली में आपकी बहुत बुरा हाल है, ठीक है। आप यूपी में बात करिए, यूपी में जाइए आप, यूपी में क्या पहली 2019 के हालात से बहुत बेहतर स्थिति में है सपा और कांग्रेस उस टाइम, अब इस टाइम पे। उसके बाद राजस्थान में आपको 4-5 सीटों का नुकसान हो रहा है, गुजरात में मैं बोल रहा हूँ आपकी 26 में से 25 थी, हम 25 ही लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। उसके आगे आप नीचे और जितना जहां जहां जाएंगे आपको सिर्फ नुकसान हो रहा है, फायदा तो कहीं होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। साउथ में आपका नामो निशान है नहीं, तो आप कहां से ले आओगे? आप 303 दोबारा ला नहीं पा रहे हो, आप बात कर रहे हो उसमें कि हम जी 400 ले आएंगे और 450 ले आएंगे, जो बोलते रहते हैं। चलिए ठीक है, 400 नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे 400? देखते हुए लग रहा है वैसे तो, देखकर ही लग रहा है। हां वैसे अंदाजा तो लग रहा है। सरकार भाजपा की बन रही है या इंडिया की? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी बन रही है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला रही कि नहीं ला रही है? 272 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है, तो क्या 272 पार कर जाएगी? 272 पार करेगी, 272 पार कर जाएगी। अच्छा कुछ सर्वे वाले कह रहे हैं कि भाजपा जो है बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं कि इस बार भाजपा अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, इसको लेके क्या कहेंगे? बीजेपी जीतेगी। उनका कहना है कि पिछली बार राष्ट्रवाद की लहर थी तो मोदी जी जीत गए थे, और अब ऐसे 10 साल हो भी चुका है, थोड़ी महंगाई और बेरोजगारी, तो इस कारण वो कह रहे हैं कि इस बार वैसी लहर नहीं है। उनका अपना आंकड़ा ना बाकी तो 4 तारीख को पता चलेगा, तो क्या आप ऐसा कुछ मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बहुमत बनेगी, पूरी बनेगी। सर आप क्या कहेंगे? नहीं ऐसा है ना, जो आज पब्लिक के सामने मुद्दे हैं वो बेरोजगारी और दूसरा जो मोदी सरकार की थोड़ी सी नीतियां है उससे पब्लिक थोड़ी खफा है, तो ये बात जरूर है कि कुछ हद तक जो है वोटों मतलब सीटें कम आएंगी, लेकिन ये है बीजेपी की सरकार तो बनेगी, बीजेपी की सरकार बन जाएगी, बहुमत के साथ बन जाएगी, बहुमत के साथ बनेगी। और अगर एनडीए अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कितनी सीटें पहुंच जाएगी इंडिया गठबंधन, जो कि राहुल गांधी के साथ बाकी लोग हैं? ये 100 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, पूरा गठबंधन 100 भी क्रॉस नहीं, पूरा गठबंधन 100 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो बाकी की सीटें कहां जाएंगी? बाकी सीटें तो इस हिसाब से तो भाजपा एनडीए गठबंधन को आ जाएंगी, बीजेपी को मिलेंगी, लेकिन बीजेपी के अलायंस पार्टियां हैं जो उनको मिलेंगी, बाकी अलायंस पार्टियों को, अलायंस पार्टियों को मिलेंगी, बीजेपी खुद के दम पे नहीं कर पा रही, बीजेपी खुद के दम पे नहीं कर पा रही। चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की चांदनी चौक में, हमें यहाँ महाराष्ट्र के भी कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में जो है इस बार शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उनको सहानुभूति वोट मिलेगा, और दूसरी तरफ यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रहा है, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी फिर से आएंगे। क्या है आपकी राय, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ रंजय कुमार, नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।